उनके पूरी जनाब मंडी ब्रिजेश बहुजन समाज पार्टी के सभी समान हमारे राष्ट्रभा संतोष शर्मा जी, संदीप शर्मा, श्री गिरीश कुमार शर्मा, पंडित नवीन शर्मा, भोलेलाल आनंद, रघुवीर सिंह टैगोर, सूर्यकांत तथा अन्य सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मंच पर भी मौजूद हैं और यहाँ और भी नहीं है और भी हैं जैसे बाहर भी मौजूद हैं, हमारे सभी सम्मानित साथियों भाइयों, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में एक उस माहौल में आपके बीच में आ रहे हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल चल रहा है जहाँ पर कि प्रबल समाज खास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जो है उसको बहुत चुन चुन करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया है। उसके खाली ब्राह्मण समाज ही नहीं, उसके साथ साथ में दलित समाज के हमारे जो भाई बहन है उनको भी उसी प्रकार से जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा आज उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और डराने धमकाने के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि वो सहम जाए। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आपके ही करीब में किस तरह का हादसा हो गया जिसमें कि एक को नहीं एक व्यक्ति के ऊपर उसको तो उन्होंने उतार के बगैर किसी न्यायालय में लिए जाए हुए और कोई कानून नहीं धारा को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे एनकाउंटर करने का काम कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी निर्दोषों पर क्या जो कि मौजूद भी नहीं थे वहां पर ब्राह्मण समाज के लगभग 100 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश के ही उस क्षेत्र के खासतौर से जो प्रबुद्ध थे जो मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको चिन्हित करके अज्ञात का नाम डाल करके उनको घुमाने का काम किया। आज उनको जेलों में बंद कर दिया, जेल में बंद है, कईयों की यात्राएं हो गई, कईयों का एनकाउंटर हो गया और ये सिलसिला कोई अभी शुरू नहीं हुआ था। ये सिलसिला 2017 में सरकार आते ही शुरू हो गया था जबकि प्रतापगढ़ में पांच पांच ब्राह्मण समाज के नौजवान साथी उनको मारने का काम, जलाने का काम, उनकी झोपड़ी जलाने का काम, हर तरह का निर्देशन का काम करके और उसमें अपनी ठीक पर करने का काम उस समय के वहां कबीना मंत्री इस सरकार के उन्होंने अपनी पीठ पर तपा करके और सरकार की पीठ पर तपा करके कहा था कि ये तो ये ब्राह्मण समाज के लोग इनको ऐसा ही जो ये अपराधी है ये अपराधी लोग हैं और इनके साथ जो हुआ बिल्कुल उचित हुआ। इस तरह की चीज को खाली वहां पर नहीं हुआ, इसको पढ़ाने का काम उसके बाद पूरे प्रदेश में फैलाने का लखनऊ जो राजधानी है राजधानी में ही तीन तीन लोगों की हत्याएं हुई, गाड़ी रोकी, क्या नाम है अला तिवारी गोली मार, घर से अपने माँ बाप को कोरोना में देखने आए थे ब्राह्मण है उठा ले गए क्योंकि उसने अज्ञात में नाम डाल दिया था कानपुर के मामले में और उठा के ले जाके एनकाउंटर कर दिया। एक नहीं पूरे प्रदेश में अगर आप गिनती गिनने लगेंगे तो सैकड़ों की गिनती हो जाएगी, चाहे फिर वो बुंदेलखंड हो जहां पर कि एक व्यापारी उसको उसकी गाड़ी मिली गोली मार दी और कहा कि तो आत्महत्या उसने कर दी। बाद में जब खुलासा हुआ तो अधिकारी से कहा कि थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाओ,
साफ हो गया है कोई उल्टा पता गिरा नहीं है, लेकिन उसकी हत्या कर दी। झांसी में पांच पांच लोगों की ब्राह्मण समाज के थे छत पे लेटे हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई। कोई खबर कोई खबर नहीं, कोई उसके बाद पकड़ा धर भी नहीं, बस खाली छूट करके दो चार लोगों को पकड़ करके उसके बाद फिर छिपो देने का काम। जिस तरह से दलित समाज की रहा उत्पीड़न होने का काम, जैसे कि हाथरस में एक दलित समाज की लड़की को किस तरीके से उसका पहले तो रेप किया, रेप करने के बाद बलात्कार करने के बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके शरीर को भी उसके माता पिता को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज की बेटी और उसके माता पिता भिड़कते रहे कि कब से हमको अंतिम संस्कार को कर लेने दो, लेकिन कोई छू नहीं रही और उन अंतिम संस्कार करने की जगह उनको वहां पर पुलिस लगा दी, बटालियन लगा दी और बटालियन लगा करके उन्होंने कहा कि मट्टी के तेल डाल करके खेतों में जला दिया। उनको मीडिया के लोगों ने उसको दिखाने का काम किया, मीडिया के लोगों ने उजागर किया इसका, तो जो मीडिया के लोगों ने उजागर किया तो मीडिया को भी दौड़ाने का काम किया। आपने देखा कि किस तरह से आज जब मीडिया के लोग इनकी असलियत बोलते हैं तो ये मीडिया के लोगों को भी नहीं बख्शते। इमरजेंसी में सुना था, लेकिन ये तो अघोषित इमरजेंसी है, जहां पर की मीडिया की चैनल जो प्रमुख चैनल उत्तर प्रदेश का उसपे उसके मुखिया के यहाँ इस केस से छापे मारे गए, उसके उनके मीडिया का जहाँ हाउस था वहां पर छापे मारे गए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो असलियत असली चीज को असलियत को दिखाने का काम कर रहे हैं। अखबार का एक बहुत ही प्रमुख अखबार पूरे देश का उस तरह से अखबार के नाम छापा मारने का काम किया, और जो भी अपनी आवाज उठाने का काम करता है उसको रोकाने का काम सिर्फ अपनी बंदूक की गोली से और धंधा करके करने का काम। आगे आपके आपके क्षेत्र में भी जहां महाराज हम है वहां पर भी आप किस्सा मानो कि किस तरीके से यहां पर चूरू पाकर हत्याकांड जो आज तक जिसकी आवाज गूंज रही है, किस तरीके से हमारे चारों के फॉर्मेशन के चूरू पाकर और प्रबंधक सहित छाछ छाछ प्रावणों पर छूटे करके थाना दक्षिण में देख करके और डूडा विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाने की वजह से भारत समाचार के पत्रकार जितेंद्र शर्मा के ऊपर लूट डकैती जानलेवा हमला करने का फर्जी मुकदमा लगाने का काम किया गया, उन्हीं का छापा भी मरवाने का काम किया गया। प्रमुख जो उनका लखनऊ में का जहां पर यहां से चैनल चलता है, गांव रूप में भी विशाल साहब पर जानलेवा हमला किया गया और पुलिस मुकदमा न लेकर उल्टी अतवादी को ही ढूंढाने का काम करती रही और गांवों में गांव के भीतर में जाकर के राहुल शर्मा के ऊपर की हमला करके उसको भी घर में घुस करके मारपीट करने का काम किया गया। इस तरह का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है, क्यों इनकी हिम्मत पड़ रही है, इसलिए हिम्मत पड़ रही है क्योंकि आज आज जो है ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण समाज एक साथ एकत्रित नहीं, ब्राह्मण समाज अगर एकत्रित होता तो इनकी यह हिम्मत नहीं होती ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न करने की, वरना दलित समाज के ऊपर प्रति जैसे 2007-12 में सब समाज की जो सरकार उत्तर प्रदेश में पहल मार दी जी ने चलाई थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती, कानून का राज कानून के द्वारा और इसलिए चलता था क्योंकि बहन महारानी जी ने अपने ही सांसद अगर उसने भी कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि उस समय उसको भी उन्होंने जेल में भेजने का काम अपने घर से पकड़वा करके किया था और फिर पांच साल तक जेल में रहा था। दो दो मंत्रियों को जेल में भेजने का काम किया था जब उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था, तब कानून का राज उसका राष्ट्र नहीं हुआ। आज की तरह नहीं कि ब्राह्मण समाज का है रोको और ठोक दो गोली मार दो, और दूसरे समाज का है इसके वो कहते हैं
तो जैसे समाज का आदर भी है, उनका समाज तो ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर उनका दस्त है, तो वो कुछ भी कर ले उसको छोड़ दो, उसके लिए पूरा शासन प्रशासन उसको बचाने में लग जाता है, चाहे वो हाथरस कांड हो और चाहे वो उन्नाव में बलात्कार का कांड हो, चाहे वो बलिया में किस तरीके से एसडीएम के सामने गोली मार दी, लेकिन वो एमएलए साहब का चेहरा था और ब्राह्मण समाज के लिए था, इसलिए उसको भी बचाने के लिए पूरा शासन प्रशासन एक साथ रहे। ये इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम लोग की। आपने कोई को धर्म के नाम पे वोट दे दिया? आपने तो सोचा कि ये कहते हैं कि हम लोग लाल किला की बात करते हैं और हम मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये लोग करते हैं तो इसलिए इनको वोट दे दो, लेकिन असलियत इनकी क्या है, इनका असली चेहरा क्या है, इसको भी तो पहचानिए। अयोध्या हम कहते 23 तारीख को अयोध्या में जा रहे, वहां पर देखा है, हम भी समझते थे आप लोग कह रहे हैं ये तो आ गए हैं और अयोध्या को तो सोने की नगरी बना दिया होगा, क्योंकि अयोध्या के नाम पे वो लोगों ने लाखों करोड़ रुपया लोगों से चंदा लिया होगा, एक तो नहीं लाखों करोड़ रुपया चंदा लिया है, और अभी से नहीं 97 से लेते जा रहे, अभी जब भी जजमेंट हुआ मानी सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट होने के बाद तब जमीन मिली है ट्रस्ट को, ये लोग नहीं ले पाए, लेना चाहते थे, इनकी 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी 10 साल की, कोई भी कानून बना लेते, जब किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून बना सकते हैं और जबरदस्ती कानून पास करा सकते हैं तो इसके लिए तो कानून बना ही सकते थे, लेकिन बनाने की इच्छा नहीं थी, बनाने की नीयत नहीं थी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो मंदिर बनाने की जगह और उसकी शुरुआत करने की जगह फिर से लोगों को झोले पकड़ा दिए गए अपने साथियों को और कहा गया पूरे देश में चले जाओ झोला लेकर के और कहो कि राम का मंदिर बनना है, इसमें भिक्षा दे, राम के नाम पे भीख मांगने के लिए झोला भर दो, हमारा पैसे दे दो, राम का मंदिर बनाना है। राम के मंदिर बनाने के लिए तो आपने पहले से लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा था, लेकिन फिर भी आप बाहर फिर से निकल गए और निकलने के बाद 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा आपने एक साल में राम मंदिर के नाम में फिर से जमा कर लिया, लेकिन गया कहां वो क्या? उसका हिसाब तो उनको देना चाहिए, आप लोगों को पूरे देश को देना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को देना चाहिए, कोई हम तो विदेशों में भी रुपया जाए कि वो रुपया कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, या पत्थर करके बताए कि हमें अपनी पार्टी बढ़ानी थी, हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना था और उसके लिए हमको 200 हेलीकॉप्टर 500 हवाई जहाज और हजारों की संख्या में गाड़ियां लेनी थी, अब इसलिए हमने उस दौरान में हमने इस पैसे को उसमें इस्तेमाल करने का, या तो इसका खुलासा मान के सबके सामने कि हम इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान श्री राम के नाम में नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो अयोध्या हम कहते आप जो भी जाकर के देखिए, अयोध्या में हमको तो लगता था सोने की नगरी बन गई होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कई हजार करोड़ रुपया हमने सरकारी खजाने से भी दे दिया अयोध्या को, तो अयोध्या में हुआ क्या, कौन सा काम अयोध्या में हुआ, अयोध्या में जो हालात पहले थे उससे बदतर हालात उस शहर के समय, जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो वही हुआ जो 2007-12 में बहुजन समाज पार्टी ने उस समय किया था, सरयू नदी के किनारे के पास जैसे वाराणसी में सारे घाटों को अवरुद्ध बनाने का काम किया था, उसमें जोड़ने का काम किया था, जितने भी घाटों के किनारे किनारे बने वो सब बहुजन समाज पार्टी के तरफ से था। वृंदावन में जैसे 550 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने स्वयं अपनी निगरानी में 2007-12 के बीच में समग्र विकास करने का काम किया था, चाहे वो पूरे वृंदावन में सीवर लाइन डालने की बात हो, वाटर लाइन डालने की बात हो, सड़क बनाने की बात हो, पूरी परिक्रमा की सड़क बनाने की बात हो, चाहे बस अड्डा बनाने का बात हो, चाहे हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, बिजली घर बनाने की बात हो, वहां पर बस अड्डा बनाने की बात हो, आश्रम बनाने की बात हो, मेला तो सरकारी मेला घोषित करने की बात हो, रोड टैक्स खत्म करने की बात हो, ये सारे के सारे कार्य समग्र विकास करते हुए हम
उन्होंने की सरकार में 2007 और 2012 में अनुभव में वृंदावन में करके खाली में काम किया। खाली में जाने संकल्प करो। वृंदावन और मथुरा में जो पूरी चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने ओवर ब्रिज बनाने का काम किया था और ओवर ब्रिज बनाकर छोड़ने का काम किया था। इनकी तरह ताकि हम लोग बहुत देखी मीटर का काम करते हैं। हम लोग धर्म को लगा के वोट की राजनीति नहीं करते हैं, जैसे ये धर्म के नाम पे वोट की राजनीति करते हैं, आपस में लोगों को बांट के राजनीति करते हैं, जात के नाम पे बांट के राजनीति करने का काम करते हैं। अंग्रेजों से सीखा इन्होंने कि आपस में बांट दो और राज करो, उस नीति पर चलते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो खाली धर्म के नाम पे आड़ में वोट दे करके यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए था, विकास के बारे में सोचना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार की सरकार थी, विकास की छड़ी लगा दी थी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने संस्कृत कॉलेज, कितने स्कूल, कितने लड़कियों के स्कूल और हर तरह का विकास, हर गांव में सीसी रोड और कई तरह तरह के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ साथ में जो अन्य गाँव गाँव में हॉस्पिटल से उनको भी खोलने का काम किया गया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये विकास करने का काम नहीं करते। जो एक्सप्रेस वे जिसमें आज आप लोग चल रहे हैं, जिसमें चल करके सब लोग आते हैं, इस एक्सप्रेस वे को भी गहन मायल दीदी ने बनाने का काम किया था और पूरे देश में पहला ऐसा एक्सप्रेस वे बन करके आया था। जहां जहां भी नोएडा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अन्य शहर हो, उनको विकास की छड़ी लगाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया था। लेकिन ये क्या करते, ये खाली धर्म के नाम पे आपस में लड़ाने का और धर्म के नाम पर वोट मांगने का और भगवान श्री राम को एक वोट की वस्तु बनाकर के छोड़ दिया इन्होंने। हमारे हालात है, जब हम धर्म के वहां गए वृंदावन और वृंदावन में आने के पहले अयोध्या गए थे 23 तारीख और 23 जुलाई को, तो पूरा वहां के भारतीय जनता पार्टी और इनके साथी हो गए, बुर्गे लोग हैं, इन्होंने हमला बोल दिया इस बात का, हमला कर दिया और इस बात का कि आप अयोध्या क्यों आए, मिश्रा जी से पूछिए अयोध्या क्यों आए। अरे अयोध्या क्या खाली आपकी जाति है, क्या आप ही घर जा सकते हैं, हम तो ब्राह्मण समाज में जन्म लिए हुए व्यक्ति है, हमको तो बचपन से संस्कार डाल दिए गए कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे विष्णु की आराध्य हैं, हम पूजा उनकी भी करते हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम भोले श्री शंकर की पूजा करते हैं, हम लोग माता की पूजा करते हैं, मतलब हम लोग बचपन में ही याद करा दिया गया घटान गए घर में, घर से देखो पहले की स्तुति करके देखो उनकी पूजा करके देखो, तो आप उनको यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, यहाँ पर वही आ सकता है जिसको कि हमको इजाजत है, खाली वही यहाँ पर आ सकता है जिसको हम चाहते हैं। और इसलिए चाहते थे क्योंकि असलियत सामने आ रहे, राम लला के मंदिर के नाम पे वोट मांगते जा रहे हैं, मांगते रहेंगे और राम लला का मंदिर नहीं बना सकते। अभी भी न्यू ऊपर न्यू तकलीफ पड़ी है, जिस मंदिर में एक साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के ईंट पूजन करा, न्यू पूजन नहीं करा, ईंट पूजन करा, ईंट पूजन के बाद आज तक वो ईंटे कहां गई ये भी नहीं पता, लेकिन न्यू नहीं बन पाए। जब न्यू नहीं बनी है एक साल हो गया, तो मंदिर कब बनेगा, बनाने की नियत भी है कि नहीं, या सिर्फ वोट के ही लिए इस चीज को बनाए रखना है, वो तो आगे भविष्य में बता सकते। लेकिन आज ब्राह्मण समाज जिस तरीके से उसको पीड़ित किया गया है, वो फिर से वोट करके खड़ा है और उसी तरह से हमारे साथ में उनके खड़ा हुआ है, जिस तरीके से 2005 और 2007 में हमारे साथ इकट्ठा हुआ था, तब भी हम आपके बीच में गए थे, हर शहर में गए थे, पूरे प्रदेश में, जैसे कि अब की बात हम लिख रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, हर जगह भी जाएंगे, जब तक सारे जिले पूरे नहीं हो जाएंगे हम वापस नहीं आएंगे और हम हर जिले में जा करके प्रबल समाज की बैठक करके सब समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लोगों के अपनी बात रखने का काम करेंगे। हमने उस समय भी ब्राह्मण समाज से कहा था कि आपको इस भारत में इस अवस्था में क्यों पहुंचाया गया, जहां शून्य की व्यवस्था में पहुंच गए, शून्य की इससे कहने को सिर्फ 5 लोग, सिर्फ 5 ही लोग रह गए थे विधानसभा में, जिसमें कि 2-3 लोग जो थे बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन जो भी ऐसी स्थिति
जो शुरू में भी आ गए थे इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ये मेरे समय था। आज फिर आपके सामने एक दो बातें कह करके उस समय की याद दिलाएंगे। हमने कहा था इसलिए आपको इस हालत में आ गए क्योंकि आपने अपने बीच में एकता खत्म कर दी, एक साथ रहना शुरू किया है, बंटवारा कर दिया है, अलग अलग जगह आप बैठे रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते, आप लोग आपस में बंटवारा इस बात का निकल लेते हैं कि हम 20 विश्वास 16 विश्वास या 12 विश्वास है। आप ये भी कर रहे हैं कि आप ये भी देखते हैं कि आप कह रहे हैं तो धान रूप है सनाट है या हम सचू पानी है, आप हम त्यागी है या हम अन्य, लेकिन इस चीज को छोड़ करके आपको ब्राह्मण समाज बन करके और एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत है कि ब्राह्मण समाज के नाम करने की। जब आप इकट्ठा होंगे तो आप 16.5% है, सरकारी आंकड़े 13% बताते हैं, 16.5% 3 करोड़ से ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, और अगर 3 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाए तो आपकी ताकत का एहसास पूरे प्रदेश को लेकर पूरे देश को हो जाए। लेकिन ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम 16% रह करके भी हम एक ही सीट नहीं जीत सकते, सीट जीतने के लिए हम वो 16% नहीं हमको 30% के ऊपर जीत, और वो तब हो सकता है जबकि आप हमारे साथ में जो हमारे भाई बहन दलित समाज के हैं जिनके साथ भाईचारा बनाने के हमने आपसे अनुरोध किया है वो 23% है, और उनके साथ पहले से ही लोग जुड़े हुए अन्य समाज के लोग जुड़े हुए, जब उनके साथ में आप होंगे तो आप सोचिए 13 और 23 अगर मिला ले तो ही आप 36 हो जाते हैं, और सब भागी इनको जोड़ लें तो आप पूरे प्रदेश में सबसे भारी हो जाए, और आपकी सरकार और आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। वैद्य महानी जी ने जब 9 जून 2005 को ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था लखनऊ में पूरे प्रदेश में सम्मेलन करने के बाद, तब उस समय 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग वहां थे, करके 11 साल उन्होंने उनका स्वागत किया था। भैरव महाराज जी ने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा नारा जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी उसको बदल करके और जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा, गणेश जी की प्रतिमा ने उनके हाथ में दी, गणेश जी की प्रतिमा लेकर के वो माइक पे गई और उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कह करके अपनी बात की, और उन्होंने कहा था कि आज आपकी तैयारी देख करके हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनने के पहले भी भागीदारी देने में हम आपको पहुंच करके भागीदारी देंगे। 40 की जगह 85 सीटों में लड़ाने का काम किया था जिसमें से 45 लोग ब्राह्मण समाज से जीत करके गए, उन्होंने जब सरकार बनने की प्रमोशन की तो दोनों हाथ खोल करके अन्य समाज के साथ साथ में उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बढ़ करके देने का काम किया, उन्होंने चाहे तो ब्राह्मण समाज के लोगों को 15 से ज्यादा मजबूत कैबिनेट बना लेंगे, उन्होंने 35 ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन बना करके और कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को एमएलसी बनाया, विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया, महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज के अतिरिक्त महाधिवक्ता, और 2000 उच्च न्यायालय में और 2500 जो लोकल कोर्ट है जो जिला के इलाके थी उसे ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने सरकारी वकील बनाया, सारी सरकारी वकील ना बहुत थोड़ा रुपया मिलता था उन्होंने उसको 10 गुना बढ़ा करके उनका मेहनताना था उसको सम्मानजनक करने का काम किया था, उन्होंने आधे दर्जन से ज्यादा हमारे सांसद जो लोकसभा में थे ब्राह्मण समाज के भेजने का काम किया था, उन्होंने हर तरीके से उन्होंने लीडर हमको ब्राह्मण समाज में होते हुए उन्होंने राज्यसभा में बनाने का काम किया, आज 17 वर्ष हो गए 18 वर्ष चल रहा है आज भी वो लीडर बना के रखा है अपनी पार्टी का राज्यसभा में, और लोकसभा में भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के नीतीश पांडे को वहां पर भी अपना उन्होंने लीडर पार्टी का बना के रखा हुआ है, आपको सम्मान दिया। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, समाजवादी पार्टी को शुरू से कह दिया हुआ बारहवें भी समाचार अभी भी अखबार की ब्राह्मण समाज के लोगों को कोई काम नहीं करना है, तो उनको किनारे कर दो उनका कोई भी सुन नहीं है, और किस तरह से बेइज्जत उनके द्वारा जो है 5 साल में वो भी किसी से नहीं छिपा, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार गई और इनकी सरकार इनकी सरकार में जो ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं, वो मैंने आपके सामने सूक्ष्म
बातें रखती हैं, तो इन बातों को देख करके अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। एक साथ इकट्ठा होइए और अपने को मजबूत करिए। मजबूत न कर पाएंगे जब आप अपने दलित समाज के भाई बहनों के साथ और अपनी एकता बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में जोड़ करके और बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे, हमारे करेंगे तो आपके अपने हाथ खुद अपने आप मजबूत हो जाएंगे। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम, हम लोगों ने जो करके सिखाया ब्राह्मण समाज के लिए वो भी आपको अच्छी तरीके से मालूम। लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपनी आप बुद्धिमान कहलाते हैं और बुद्धिमान होते बुद्धिजीवी कहलाते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बुद्धि का इस्तेमाल करके डरना और दबना और धमकाने से नहीं आने दबने की जरूरत नहीं है। आप जो भगवान की परेशान के बंधन है इसलिए डरने और दबने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जितने भी अत्याचार हुए चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे मैं दलित समाज के भाई बहन हो, हमारे ब्राह्मण समाज के भाई बहन हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए उनको हम लोग सहने वाले नहीं है। और जब आपकी पूर्ण अपनी खुद की सरकार बनेगी, पूर्ण मोहम्मद की सरकार बनेगी, तो इन सारे मसलों की जांच होगी और उनकी जांच जरूर कराई जाएगी और जो चीजों में उनको पता नहीं जाएगा ये नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये विनती है, अनुरोध है कि आपको अपनी एकता को बना करके और अपनी अपने जागरूक होके अपने सपने तक इन बातों को सीमित मत रखिएगा। आप लोग समाज में अपने समाज में और हर जगह लोगों के बीच में जा करके इन बातों को बढ़ाने का काम करें। गोष्ठी का मतलब ही है, गोष्ठी करने का उद्देश्य ही है कि इन बातों को आप लोग भी जो है अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने अपना स्वयं का भविष्य नहीं अपने आने वाली जो आपके लोग हैं उनका भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करने का काम करें और इसको पहुंचाए और पहुंचा करके उनको इनके संदेशा लेकर के उनको जागरूक बनाइए। आज नौजवान जो लोग हैं, नौजवान हमारे समाज के हो चाहे अन्य समाज के लोग हो, उस समूह में भटक रहे हैं, उनको झूठे वादे किए गए थे जैसे 15 लाख का झूठा वादा किया गया था कि 2 करोड़ की नौकरी 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। लेकिन 2 करोड़ के लोगों को नौकरी छोड़िए, 2 करोड़ नौकरियां को देने का काम हर साल हो रहा है। और जब उन्होंने आवाज उठाई और जब हमने उनकी आवाज पर उठाई कि नौकरियों का क्या हुआ, तो जवाब वहां पर मंत्री जी देते हैं कि ये लोग तो कहिए कि अपना रोजगार करें, कौन सा रोजगार करें, कहते हैं ये लोग पढ़े लिखे हैं
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।